यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस टीम पर उस वक्त हमला हो गया जब टीम एक टॉप 10 अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए गई थी। उसी दौरान ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला कर बदमाश को छुड़ाने का प्रयास किया, जिसके कारण ग्रामीणों ने पुलिस जीप पर भी पथराव कर दिया, जिससे जीप के शीशे टूट गए। दरअसल ये पूरा मामला शाहपुर थाना इलाके के कसेरवा गांव का है, जहां शुक्रवार की देर शाम पुलिस टीम एक टॉप 10 अपराधी अरशद उर्फ बंदर को एनबीडब्ल्यू होने के कारण गिरफ्तार करने के लिए गई थी। उसी दौरान अपराधी अरशद के परिजनों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर आरोपी अरशद को छुड़वाने का प्रयास किया और ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला करते हुए पथराव कर दिया। वहीं अतिरिक्त पुलिस फोर्स को बुलवाकर पुलिस ने मौके से टॉप 10 अपराधी अरशद उर्फ बंदर समेत सरकारी कार्य में बाधा डालने और पुलिस पर हमला करने वाले 3 मुख्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की टीम गई थी एनबीडब्ल्यू की दबिश में, इसमें अरशद और बंदर है, पहले से भी टॉप 5 में रहा है, नोटेरियस क्रिमिनल है। तो जब उसके यहाँ से उसको लेके चले तो उसके परिवार में कुछ लोगों ने और महिलाओं ने पुलिस का विरोध किया और उसने गाड़ी का भी पीछे से शीशा टूट गया था। उन्होंने सरकारी कार्य में बाधा डाली, इस पर फिर उनके विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत हुआ और उन्हें दबिश के बाद 3 जो मेन मुलजिम थे जिन्होंने सरकारी काम में बाधा पैदा की थी उनको गिरफ्तार कर लिया गया और लाइन ऑर्डर की ऐसी कोई दिक्कत नहीं, सब शांतिपूर्ण है।